हावड़ा के लीचू बगान में गुंडों का तांडो, तृणमूल यूथ लीडर पर फायरिंग, बीजेपी लीडर गुड्डू खान और उसके बेटे पर हमला करने का आरोप। पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले ही हावड़ा में सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। हावड़ा के नजीरगंज के लीचू बगान इलाके के में एक बार फिर बंदूकबरदार बदमाशों का तांडो देखने को मिला। यह आरोप लगाया गया कि शरपसंदों ने स्थानीय युवक तृणमूल लीडर पर हमला कर दिया। फायरिंग की भी खबर है। यह वाकया कल रात हावड़ा संक्रेल पुलिस स्टेशन के तहत नजीरगंज के लीचू बगान इलाके में पेश आया। इस वाकये में तृणमूल के मुकामी लीडर गुड्डू खान और उनके बेटे पर उंगली उठाई गई है। यह आरोप लगाया गया है कि गुड्डू खान अपने लोगों के साथ मिलकर तृणमूल यूथ लीडर के मकान में दाखिल हुआ, बंदूक दिखाकर कत्ल करने की धमकी दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपी समेत दो अफराद को गिरफ्तार किया है। तहम बीजेपी का दावा है कि यह तृणमूल की आपसी मामला है, इस मामले से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार हावड़ा म्युनिसिपैलिटी के तृणमूल के साबिक मेयर कौंसिल के पति मसूद खान उर्फ गुड्डू खान 2021 असेंबली चुनाव में तृणमूल से टिकट नहीं मिलने की वजह से टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इलेक्शन में बीजेपी की हार के बाद गुड्डू इलाके में दोबारा अपना मुकाम हासिल करने का प्रयास करते रहे, लेकिन हावड़ा के तृणमूल लीडरों ने इसमें रिकावट डाल दी। ये वाकया पार्टी के तब्दीली और इलाके पर कब्जे को लेकर एक तनाजे की वजह से हुआ है। कल रात गुड्डू खान और उनकी टीम ने स्थानीय तृणमूल यूथ लीडर के घर पर हमला कर दिया। वह घर के गेट को लात मारते और चीखते हुए नजर आए। यह आरोप लगाया गया है कि कई लोगों के पास हथियार थे। इलाके के सीसीटीवी फुटेज में भी इन गुंडों के हाथ में बंदूक देखी गई है। गुड्डू खान ने 2001 में असेंबली चुनाव से कबल तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद लीचू बगान के वार्ड नंबर 45 के एक्स तृणमूल काउंसिलर के साबिक शौहर गुड्डू खान ने वाइज खान को तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की तजवीज दी थी। मतवकफी वाइज खान ने इस तजवीज को कबूल करने से इनकार कर दिया था और यही से दोनों के दरमियान दुश्मनी शुरू हो गई थी। इलाके में अपना कब्जा को बरकरार रखने और अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए गुड्डू खान की नेतृत्व में शरपसंदों ने तशद्दुद धमकियां देना शुरू कर दी। उनके बेटे ने यहां तक इल्जाम लगाया है कि गुड्डू खान ने वाइज खान को कत्ल किया है। तृणमूल के नौजवान लीडर के घर वालों ने शिकायत की है कि उन्होंने कल रात बंदूकों से हमारा पीछा किया, गालियां दी, डरते डरते हम लोग जब घर में दाखिल हुए तो गेट को लात मारने लगा। उन्होंने इलाके के कई लोगों के घरों में घुसकर लड़कियों को भी जोदोकोप किया है। याद रहे कि तृणमूल लीडर वाइज खान को कुछ महीने पहले इस इलाके में खुली सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस बार फिर हमला उनके खानदान और बेटों पर हुआ है। नजीरगंज की पुलिस ने इस वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। याद रहे कि वाइज खान तिरोल में रहते हुए इलाके में काफी ताकत हासिल कर ली थी। बीजेपी में जाने के बाद इक्तदार में कुछ कमी आई, बाद में उन्होंने तिरोल में वापिस आने की कोशिश की है और दावा किया है कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। তো তৃণমূল কংগ্রেস যোগদান করতে চেয়ে একটা দরখাস্ত করেছে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছে, আমাদের অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করেছে এবং আমাদের রাজ্যের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেছে, রেখেছে, আমার কাছেও এসেছিল। তো সুতরাং যোগদান করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছি কিন্তু যোগদান করেনি এখনো। সুতরাং আমরা তাকে এক্ষুনি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বলতে পারি না। তবে গ্রেপ্তার হয়েছে, গ্রেপ্তার করার কারণ পুলিশ জানে, এটা পুলিশ দেখছে, কমিশনার নিজে দেখছে কেসটা। কমিশনার দেখে তার বিরুদ্ধে যদি দোষ পায়, তিনি যদি দোষী হয় তাহলে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে। না না না, উনি ভোটের আগে ওনার স্ত্রী, ওনাকে বিজেপি নেয়নি, ওনার স্ত্রী যে কাউন্সিলর ভারতীয় জনতা পার্টির একটা মঞ্চে এসেছিল, আমরা ওনাকে অ্যাকসেপ্ট তখন করিনি। আবার
সেই সময় লোকাল পার্টির ইউনিট ওকে নাও বলেন, ওনার স্ত্রী, ওনার সঙ্গে বিজেপির কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু উনি বিধানসভা নির্বাচনের পরে আবার তৃণমূলে ফিরে গেছিলেন পতাকা দিয়ে, ওনার স্ত্রী এবং সবাই জানে। আর বিজেপির মঞ্চে ওনার স্ত্রী বিফোর অ্যাসেম্বলি ইলেকশন এসেছিল, এটা কোনো অসত্য কিছু না।